हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर सेवन की एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर फाइव को सॉल्व करेंगे। तो फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे कहा गया है स्टूडेंट्स, इन द फिगर द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। आप यहां पर चेक कर सकते हैं, दो ट्रायंगल्स हमें गिवन है और हमें कहा गया है कि ये दोनों ही ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। और उसके बाद हमें गिवन है द कोरस्पोंडिंग पार्ट्स आर मार्क्ड, और इन दोनों ही ट्रायंगल्स में जो कोरस्पोंडिंग पार्ट्स हैं वो यहाँ पर मार्क किए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एंगल आर और एंगल डब्ल्यू कोरस्पोंडिंग है, दोनों ही सेम दिए गए हैं। देखिए दोनों में सेम सिंबल है। इसके अलावा एंगल ओ और एंगल ए, ये भी आपस में कोरस्पोंडिंग है, देखिए दोनों में सेम सिंबल गिवन है। एंगल टी और एंगल एन, ये भी कोरस्पोंडिंग है क्योंकि दोनों में सेम सिंबल है। और इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि ए टी साइड और ये एन ओ साइड, ये भी आपस में इक्वल है, या हम ये भी कह सकते हैं कोरस्पोंडिंग है क्योंकि दोनों में देखिए ये सिंगल लाइन है, यानी सेम सिंबल है। ए आर साइड और डब्ल्यू ओ साइड, ये भी आपस में कोरस्पोंडिंग है क्योंकि दोनों में सेम सिंबल गिवन है। इसके बाद हमसे कहा गया है वी कैन राइट ट्रायंगल आर ए टी इज कॉन्ग्रुएंट टू। देखिए स्टूडेंट्स, हमें पता है कि ट्रायंगल, ये जो आर ए टी है, ये इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन इस ट्रायंगल का नाम हम किस तरीके से यहाँ पर मेंशन करेंगे, कैसे लिखेंगे, वो हमें बताना है। क्योंकि यहाँ पर हम ट्रायंगल ओ एन डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, ट्रायंगल एन ओ डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, ट्रायंगल डब्ल्यू ओ एन भी लिख सकते हैं, ट्रायंगल डब्ल्यू एन ओ भी लिख सकते हैं। तो हमें यह बताना है कि अगर हम यहाँ पर लिखते हैं ट्रायंगल आर ए टी इज कॉन्ग्रुएंट टू, तो कॉन्ग्रुएंट टू के आगे हम ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है, इसका नाम किस तरीके से लिखेंगे। इसके लिए हम इन दोनों ट्रायंगल्स के कोरस्पोंडिंग वर्टेसेस को चेक करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो R वर्टेक्स है और यहाँ पर जो W वर्टेक्स है, ये दोनों ही आपस में कोरस्पोंडिंग है। देखिए दोनों में ये सेम सिंबल गिवन है। तो यहाँ पर हमने लिखा R वर्टेक्स और W वर्टेक्स आपस में क्या है, कोरस्पोंडिंग है। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं A वर्टेक्स और यहाँ पर O वर्टेक्स, ये भी आपस में कोरस्पोंडिंग है, दोनों में देखिए ये सेम सिंबल गिवन है। तो यहां पर हमने लिखा ए और ओ वर्टेक्स आपस में क्या है, कोरस्पोंडिंग है। अब यहां पर आप देखिए वर्टेक्स टी और यहां वर्टेक्स एन, ये भी आपस में कोरस्पोंडिंग है क्योंकि इन दोनों में देखिए सेम सिंबल गिवन है। तो यहां पर हमने लिखा टी और एन वर्टेक्स आपस में कोरस्पोंडिंग है। अब हम यहां पर बड़ी आसानी से कंपेयर कर सकते हैं कि अगर यहां से ट्रायंगल आर ए टी बनता है तो यहां से कौन सा ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल डब्ल्यू ओ एन। तो यहां पर हमने लिखा ट्रायंगल आर ए टी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डब्ल्यू ओ एन, और हमें यही नाम यहां पर पता करना था कि ट्रायंगल आर ए टी के कॉन्ग्रुएंट जो ट्रायंगल है उसका नाम हमें किस तरीके से लिखना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने इन दोनों ट्रायंगल्स के जो कोरस्पोंडिंग वर्टेक्स थे उनको चेक किया और उसी के अकॉर्डिंग यहां पर यह नाम आया कि ट्रायंगल आर ए टी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डब्ल्यू ओ एन के साथ। आई होप स्टूडेंट्स, आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।